कर्नाटक के एक कॉलेज का वीडियो सामने आया है जहां मुस्कान नाम की लड़की हिजाब पहने कॉलेज में आती है। तभी भीड़ लड़की की ओर बढ़ती है। लड़की के सामने कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो लड़की भी अल्लाहु अकबर के नारे लगाकर जवाब देती है। इस लड़की का वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल है। ये पूरा मामला कर्नाटक के माण्या का है। अब इस वायरल वीडियो पर MIM के प्रमुख असदुद्दीन वैसी का रिएक्शन भी आया है। उन्होंने इस लड़की के सपोर्ट में कई ट्वीट किए हैं। एक वीडियो पोस्ट करके उन्होंने सलाम भी पेश किया है। बोले, मैं लड़की के माँ बाप को सलाम पेश करता हूँ। इस लड़की ने मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि भीख मांग कर और रोकर कुछ भी नहीं मिलेगा। उस लड़की ने कई कमजोरों को पैगाम दिया है। ओवैसी ने कहा है कि जो काम उस लड़की ने किया वो बहुत हिम्मत का काम था। लड़की ने मिसाल साबित की है। ओवैसी ने अपने कई ट्वीट में कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियों की तारीफ की है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि मुस्लिम लड़कियों ने हिंदूवादी भीड़ के खिलाफ साहस का परिचय दिया है, अपने संवैधानिक अधिकारों को सही तरीके से दिखाया है। जो हुआ उससे राज की मिली भगत है। वही अपने ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री को भी घेरने की कोशिश की है। बोले, प्रधानमंत्री दो बार संसद में बोल चुके हैं लेकिन एक बार भी वो संसद में कर्नाटक स्थिति पर एक शब्द नहीं बोले। उनका मौन क्या कहता है? क्या यही उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? लड़की ने अपने बारे में क्या बताया? इंडिया टुडे आज तक से हुई बातचीत में मुस्कान ने बताया कि मैं कॉलेज असाइनमेंट के लिए आई थी। वो लोग मुझे कॉलेज में जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि मैंने बुर्का पहना था। वो मुझे बोल रहे थे कि बुर्का हटा कर ही अंदर जाओ। जब मैं गई तो वो दोबारा जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जो लोग नारे लगा रहे थे उनमें से कई कॉलेज के थे तो कई बाहर से भी थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने नारे लगाए इसके बदले में मैंने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। मुस्कान ने बताया कि मेरे टीचर और प्रिंसिपल ने मुझे सपोर्ट किया जो उन्हें बचा कर ले गए। मुस्कान ने बताया कि ये लोग कह रहे थे कि अगर वो बुर्का नहीं हटाएगी तो वो भी भगवा कपड़े नहीं हटाएंगे। ये बोली लगातार वो लड़के मुझे घेर रहे थे। वहीं इस बारे में कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा है कि कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि छात्र छात्राओं को स्कूल में यूनिफॉर्म में आना होगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ राजनीति पार्टी से जुड़े लोग शामिल हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।